अभी पाप के पुलंदे आएगी अभी मौत, तुझे इसकी सजा ईश्वर देगा। तो इसी का राज यहाँ पे चलता है। ये तो बताइए, पुलिस डर के यहाँ खामोश रहती है, हम क्यों लफड़े में पड़े? ये देखो ये फल सारे बिखर गए, ये फल खराब हो गए, क्या करूँ? ए पापी मुर्ख, यहाँ ताकत के नशे में रहता है, ये फिर से मैं बताऊंगी। एक गुंडा है जो रोज आता है यहाँ पर, इससे लोग डरते हैं, कार जैसे उड़ाता है, पूछ लोगे तो आएगी शामत भी। आज फिर एक टक्कर मारी के फल गिर गए, व्यापार क्या करूँ मैं? फिर बोलने जाऊंगी मार डालेगा किसी, बताऊँ अभी पैसे ही के घमंड में है। क्या घमंड है तुझे, रास्ते से हट जा। ये गुरूर किस लिए? इस कार की वजह से गांव की जनता आज बहुत डरती है, तेरी घमंड का इलाज करेंगे। ए, फूट रावण के नए भाई। ए, फना कर दूंगा, दफा कर दूंगी। ए, ये फॉरेन की कार है, रुकेगा मैं चीन का डब्बा, मान ले अभी और दूर जा, ये तेरी मोटरसाइकिल और तुझे कुचल डालेगी। तेरी किसे परवाह, क्या है ये धमकी? ये मेरी गाड़ी वो फॉरेन वरन भुला तो देगी, दोबारा पेरिस पहुंचा दूंगी। बस देखते हैं। ए, फूट तीन के डिब्बे। ए, फिर देखते हैं। Thank you.
गांव है। ये ओ अरे ये क्या अभी तो ये कार पंचर हुई है, अगर तूने फिर भगाया लोगों को तो सोच ले, तुझे ही पंचर कर दूंगी, याद रखना। अरे जा। अरे ओ झांसी की रानी, तुलाई तूने बहुत की, उसे सजा भी मिली, उसकी हवा निकाल भी दी। रानी रानी हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। रानी रानी क्या कर रहे हो? रानी यहाँ पे विजीत के झंडे गाड़ ही दिए, आज उसकी पिटाई कर डाली और दिलेरी का सबूत दिया। देश की चिंता क्या, अपने कॉलेज की सेवा की है, वही मेयर का बेटा बड़ा ही शैतान है। अरे वही राज गोयल, अब छक्के छुड़ाकर लेफ्ट एंड राइट भा लिया आपने। ये न्यूज आप तक पहुँचाया किसने? रानी जी अपने कॉलेज का ऑल इंडिया रेडियो है ना, आज तुम्हारी भाद्री का वही प्रचार भी कर रहा है। कौन है? अरे वही रघु। ओ अच्छा। रानी ये भी थोड़ा है, इस राज गोयल को और सजा देनी होगी, यही आशा है। लेकिन सजा देंगे कैसे, आखिर क्या करें? अभी कुछ प्लान बनाओ मिलके, ये बड़ा अच्छा समय है। कॉलेज का स्टूडेंट इलेक्शन अगले बुध को है, वो हर वर्ष हमारा प्रेसिडेंट रहता है, इस वर्ष उसकी हार यकीनन हो सकती है, तुम ही उससे लड़ो। राजी हो जा रानी प्लीज। अच्छा अगर सब की ओके तो मेरी भी। रानी रानी छोड़ दे रानी, अब ये जिद किस लिए रानी, अब क्या दुश्मनी मोल लोगी? और शैतान का आपके मन में डर कैसा, और क्या आप भी बुसिल हैं? तो अब ये जंग भी होगी सचमुच की, ये पता है ये आग भड़क कर कैसे बुझेगी? आखिर में ये इलेक्शन लड़ना है मुझे। रानी तब प्लान थोड़ा बनाओ, मैं तो इलेक्शन में भी हम करें, ये अच्छी बात है। राजगोयल राजगोयल क्या है? अरे बुरा मुकाबला है, सारे जानते हैं कि आप कॉलेज के हमेशा के प्रेसिडेंट, मगर आज धास के हेर फेर की कोशिश हो रही है। सुन मेरे भाई पदवी छोड़ दे, वो मुसीबत पहुंच ही गई है। मुसीबत है? हाँ भाई। अरे है कौन? तुमसे पुरानी पहचान तो है, याद है झगड़ा हुआ था मोटरसाइकिल वाली से, अपनी कार पर उसने उछल कूद की थी, अपना सारा नक्शा बिगाड़ा था, अपने कॉलेज की तूफान मेल रानी, हमसे वो इलेक्शन लड़ने भी चली है। लड़ने तो दो, टकराएगी अभी से वो। वो कैसे बोल रहे हैं, ये तो बादल है, बरसे तो बरसे। ए, जो मुकाबले की बातें तो क्या छोड़ दूंगा, तीन चार लाख की परवाह है किसको? उसे सबक तो दूं? हमें पता है भूल जाएगी वो भोली लड़की, मटकना थिरकना, लेकिन अभी देख लो भाई, अपने लिए कुछ प्रचार भी करना पड़ेगा। आज नारद मुनि अनंत स्वामी को ढूंढ के दबोच के अपने पक्ष में करना। जनता मुझे नारद मुनि अनंत स्वामी कहती है, ये अन्याय है मेरे साथ, सच्चाई मुझसे पूछो, मेरी परंपरा है राज परंपरा। सुनो, हिंदुस्तान की खोज में था वास्को डी गामा, इस बनारस का पता लगाने आया मेरा मामा। हाँ भाई काफी पुरानी बात है, वो जब आए ये उत्तर बनारस उजड़ा हुआ खंडर था, इसी जगह वो ठहरे, उसके बाद अपने ही दो चार कुंदई बसा डाले, तब ये सिटी डेवलप हो गया, तारीख पूरी याद है मुझे। ए कुमार यहाँ पे देख, ये झूठी दास्तान है, हर समय सुनाता है नारद मुनि अनंत स्वामी। अरे नमस्ते नमस्ते नमस्ते, राजगोयल ठीक तो हैं आप? अपना राज गोयल लड़ रहा है। अरे भाई सुलह करा दो ना। ये नहीं, अपने कॉलेज के इलेक्शन में प्रेसिडेंट के लिए। फिर देखा, अभी देश के प्रेसिडेंट की बात हो रही थी, ये कॉलेज प्रेसिडेंट आए हैं आप ही से हेल्प मांगने, आप ही प्रेसिडेंट इलेक्शन में जिताओगे उसे। मैं? हाँ भाई मैं। हाँ भाई ओ, 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 ओ। अरे कैसी बदसूमनी की बातें कर रहे हैं, मैं उसकी मदद तो करता, अभी कल ही एक्सपो 88 के लिए जापान मुझे पहुँचना है। किस लिए? अजीब बड़ा प्रॉब्लम है। क्या? आजी वो जाइंट चक्कर का चक्कर है, फिर इसके नीचे का कोई नट बाहर आ गया, इसीलिए वो बुला रहे हैं। ये गलत बात है, नट फंसाना। अरे नहीं फंसेगा, तुमसे किसी और को भेजो। हाँ। 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 इसी तरह हमारी हेल्प कीजिए। ये हेल्प यहाँ मांगने लोग तो आते हैं, लेकिन हेल्प लेकर मुझे भूल जाते हैं। मेरी दुनिया की नहीं बाहर हो। नहीं दोस्तों नमस्ते, आज नॉर्थ अफ्रीका में रोम के स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की दावत थी मुझे, ये छोड़कर किस वास्ते आ गया यहाँ? अपने राज गोयल के हक में बात करने आया, हमारे भारत के जवान तरसे तरसे हुए रहते हैं, एक दो बार वही बात सोचने लगा, छात्र यहाँ पर जो परीक्षा लिखते हो और पेपर के सवाल समझता हो या ना हो उसे पास कर दो, अभी तो पास होकर खुश होगा वो। क्या वही हल है तुम्हारी समस्याओं का? नहीं, इसी तरह तुम्हें घूमने फिरने का ज्यादा वक्त तो दे। अलादीन का चिराग रखा है, यह चांद है मेरे पास, दरिया पे चल के दिखा दूंगी, ये सब मेरा दावा भी नहीं। रानी तुम्हारी अच्छी दोस्त है, हर इंटरव्यू में पूछते वही है आखिर,
एमए पास किया है, बीए पढ़ा है, डिग्री क्या लाए हैं? एमए को एक पोस्ट, बीए को दूसरा पोस्ट, पोस्ट क्या है आखिर? कद्दू। तभी तो अकल का मोल नहीं है, अकल को फिर भूलें। यहाँ पेपर की कीमत मिलती है। अभी बेहतर भी है कि पेपर हम उठा के हर एक को दे दें, तब ये बेकारी नहीं रहेगी। ये कमाल राज्य अगर पूरा करके दिखाएंगे, नोबल प्राइज दिला दूं, नोबल प्राइज दिला दूं। सोचिए भाईजान, नोबल प्राइज वाले उस राज गोयल को जिताएंगे या सारी ब्लाउज की पतली छोरी को? अब ये कहो रानी क्या करेगी पतली कमरिया से? राज ऊंचा है या रानी? वोट फॉर रानी, वोट फॉर रानी। नमस्ते नमस्ते, वीटा चंपा रूपा या शोभा, हार्दिक प्रणाम। इन्हें देखकर शर्म आती है, महिलाओं से कुछ बात पूछनी होगी सबसे पहले। मुझे बताओ ये आपकी नेता है? पतली शर्ट पतलून वो भी नीचे से तंग। आप कहिए ये कौन सा नमूना है? क्या इसको वोट देने वाले बुरी मिसाल बनोगे? औरों का क्या होगा? लड़कियों को पुरुष आगे बढ़ाता तो है, लेकिन क्यों मर्द को दोष दो? ये क्यों कहो कि कर दो ना थोड़ी मदद, तब तो यह किसका पावर ज्यादा है? इतना कहूंगा आज मैं तो, कल वोट दीजिए राज गोयल को, वोट फॉर राज गोयल। हाथ हटा मेरे कंधों से, वोट फॉर राज गोयल। भाई हाथ मत रख, वोट फॉर राज गोयल। रानी अरे अरे छोड़ दे, वोट तुम्हें कर दूंगा, छोड़ दे मुझे और वोट फॉर रानी गोयल। फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट वोट फॉर रानी, प्लीज सेलेक्ट एंड इलेक्ट वोट फॉर रानी। कृपया कीजिए भूल ना जाइए, याद रखिए राज को वोट भी दीजिए, वही कल देश का प्रेसिडेंट भी बनेगा, तो फिर हमारी भी चांदी हो जाएगी। उसका हर दोस्त मंत्री ही होगा, इधर एक दोस्त उधर एक दोस्त, कई अकाउंट, सारे लोगों का कल्याण। मैडम देख लो, तुम्हें बात मैंने बता दी, फिर दुख तुम्हें पहुंचेगा। अब तो इलेक्शन हारोगी ही, टूटी उम्मीद बहुत रुलाएंगी तुझे। जब लड़की रोए मर्द कैसे खामोश रहे, फिर तो दौड़ कर आएगा वो। अरे हाँ भूल गया, कल मेरा कहा नहीं सुना, आज सुन ले, नाम अभी वापस ले ही ले। मैडम इतना बोलो क्या मांगती हो तुम? जो कुछ रुपए सेवर मांगो अपने राजगोयल दे देंगे। अरे भाई पैसे निकालो जरा, दुनिया को लूट कर कमाए हुए पैसों की जरूरत नहीं। अरे जा, इन पैसों से हमें कब खरीद सकेगा तू? वो तो हम तेरा सर झुकाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। जीत हमारी है, होगी तुम्हारी हार, जीत कर दिखा दूं। मुश्किल है मुश्किल है, अगर जीत जाए तो रानी जी इस कॉलेज में तुम वस्त्र बिना एक चक्कर लगाइए। मंजूर है, लेकिन सोच ले अगर जीत जाए तो हार जाए। क्या हारना स्वीकार नहीं, कोई वक्त ये भी करके दिखा देता है। जब जीत जाएगी हम ये सर झुका देंगे तेरे आगे, ओके? क्या शर्त होगी? अब नहीं, रिजल्ट तो आए फिर बता दूंगी। अब देखिए लीजिए 20 पैकेट सिगरेट फ्री लीजिए, आज जो चाहोगे वही देंगे। हर डिजाइन के कपड़े हैं यहाँ पर, हर चीज फ्री है, ब्लाउज साड़ी गाउन। अभी गज उठा लेगा नाभे बिना नहीं मानेगा, चूड़िया बहा तो है आज पहना दूंगा तुम्हें, अभी देख तुझे फिर महालक्ष्मी मैंने समझा। अरे प्यारी वोट दे हमें, वोट फॉर रानी। यहाँ पे किस ईश्वर की प्रार्थना में है? अरे जा क्या होगा आखिर, वोट पूछ रहा है। 20 पैकेट सिगरेट। ये रिश्वत है वोट के लिए, देशद्रोही है तू, इसकी सजा है 7 वर्ष, 7 इयर्स इंप्रिजनमेंट, भूल ना जाना। वोट फॉर रानी, वोट फॉर रानी। अरे पापी, ए क्या मुझे देशद्रोही कहा तूने? मेरी परंपरा में कहीं दबा भी नहीं, जानता नहीं कौन था डैड अपना? कौन था? मेरी माँ के पुरुष थे, जल्दी ऊपर पहुँच गए। इलेक्शन रिजल्ट का क्या होगा? सुनिएगा एक अच्छी खबर है आपके लिए, इलेक्शन का काम तो पूरा हुआ, थोड़ी देर है रिजल्ट के लिए, जरा रुक जाइए, राज गोयल की जीत का ऐलान यहाँ पर होगा। जानते हो ना राज की शर्त पूरी होगी फिर कमाल होगा, रानी तो कॉलेज में कपड़े उतार के दौड़ेगी और तुम सब लोग देखोगे। रानी जीत गए, रानी नारद मुनि जी अब क्या कहोगे? अभी क्या पगली, यही होता है और होगा। अब तो इलेक्शन में पैसे दिखाकर सिगरेट पान वगैरह से वोट पूछना बुरा है, ये तो मुश्किल बात है, फिर हमारी जनता हर चीज पूछती है, तो ठीक से हर एक बात इनसे कहनी होती है। मिसाल तुम ही हो, इसी कारण तुमने जीत लिया है, तुम्हारी जय। तो हाथ मत लगा, कह दिया था उसी दिन सोच कर पढ़ाई कर, वो इलेक्शन का चक्कर ही गलत है, गेट अवे। तुम्हारी कौन सी शक्ति बोलो से तुमने सोचा भी? मिस्टर राज को क्या है मिस्टर? छी, गुंडा राज का हो ना, साड़ी ब्लाउज उतारने को कहा, आज तू ही ब्लाउज साड़ी पहन ले, अच्छा ही लगेगा, इस कॉलेज कैंपस के तो राउंड घूमा। घुमटा हटा दे, मकड़ा दिखा दे, बेहया रास्कल, अपनी आन क्या है, शान कितनी है? छोटा सा कॉलेज का इलेक्शन बुरी तरह हार चुका है, मुंह पे कालिक लगाई, गधे पे सवारी की, नाम की बर्बादी हुई, अच्छा था अगर तू फांसी ही लगा लेता। ए अभी तुमने पहनी ब्लाउज साड़ी, ये तो मेरी इज्जत की समाधि खड़ी करती। पुराना एमएलए, पुराना एमपी, चेयरमैन अजय गोयल के बेटे की कभी ये दुर्गत हो सकती है?
सोचा भी नहीं था कभी। अब किस तरह बदला लोगे, किस तरह बदला लोगे? अब मैं क्या करूं? ये सवाल कर रहा है, तुझे जिस लड़की ने आज सताया है उसे कुचल के रखते हैं, और वो भी ऐसा कलंक लगा दे कि धुल ना सके। ये सारा काम करके ही मुंह दिखाओगे मुझे। वो साइकिल पर आने जा रही है। ये वही है, आज मुट्ठी में से जकड़ लेंगे। जकड़ लेंगे। चलो चलो। आज ही रामपुर तक जाना भी है मुझे। अरे रामपुर जाओ या पूना, ये तो नहीं जानता। आज मुझे वहशत ने पूरी तरह अंधा कर दिया है। उस लड़की की रग रग को उधेड़ देना है। जाओ। ये हमारा प्लान है। अरे गांव के पास ही उस रानी का कुंबा आके बस गया है। एक हमशक्ल बहन है, वो सीता है। जुड़वा ही जन्म हुआ था दोनों का। ये बहने तो दोनों बिल्कुल हमशक्ल है। हमें वहाँ इस रानी का बदला चुकाना है, इसलिए फौरन चल पड़ूंगा। Thank you.
लग गया? लगा है बहुत ज्यादा। उनसे पूछो भला क्या पड़े थी बीच में घुसड़ने की, उस बैल के पूछ में घुस पड़े। आपको पता होगा उनका भी अंधेरों से उठते यहाँ वहाँ दौड़ दौड़ कर जाते हैं और दूसरों के दुख बांटते। बड़े घर के सपूत है ना, अब उनके पिता को क्या जवाब दूंगा मैं? अरे उठाओ, अरे भाई, अरे सहारा देना। ओ बहुत ज्यादा लग गया है, डॉक्टर तो है पास में यहाँ, वहीं उनसे दवा भी ले लेंगे। अब ठीक है, ठीक ठाक हो गया। यहाँ आके हमारी जान बचाएगी, घर मेरा तो बहुत ही नजदीक है, थोड़ी कॉफी आप जरूर पी लें। अब मना करना तो ठीक नहीं है, ये प्यार से ही बुलाती है, ठुकरा देना वैसे बड़ी बुरी बात है, प्यार भी पूजा है, मकान भी देखते हैं, चलो चलो, चलो। अरे चलो ना। माँ पिताजी बैठिए ना। ये आदमी कौन है? नमस्ते, सुखी रहो। पिताजी इन्होंने एक बड़ी आफत से जान बचाई है, वो एक बैल था आज पीछे ही पड़ गया, दूर तक दौड़ी पर छोड़ा नहीं मुझे, दौड़ते दौड़ते सांस फूल गई, थकी गई थी मैं कि उस बैल ने तेज तेज सींगों से मारना चाहा मुझे। यही भोलेनाथ बैल से लड़ गए और आखिर वो हार गया। आप भगवान बनकर आए? ओह इतनी बड़ी बात काहे को कहते हैं, आफतों के वक्त काम आना मनुष्य का धर्म होता है। आफत के मारे हुए हमेशा इन्हीं को ढूंढते हैं। ये भी देखना आपके हाथ को जख्म लगा है, बुलाओ डॉक्टर वर्षा को। वो किस लिए? जख्म हल्का है, इसे आपने भी देखा, लड़कियां दोनों एक जैसी है ना। इस घर की दो बेटियां हैं, एक साथ जन्म हुआ है, दोनों जुड़वा हैं, पहली सीता रानी, दूसरी है बनारस के कॉलेज में पढ़ती है। हाँ मगर आप कहाँ के हैं, कुछ कहा नहीं? अजी बनारस के हैं, पुराने मेयर अजय गोयल का आपने नाम सुना होगा। अजी महाशय इनके पिताजी के पास बहुत दौलत है, जगह जगह बड़े बड़े एस्टेट हैं, हर शहर में बड़े बड़े बंगले हैं। तो बड़ी खुशी हुई, नाम आपका क्या है? नाम है राज गोयल। राज, सीता इनसे पूछ के गर्म या ठंडा पिला दे बेटी। परवाह नहीं, आते वक्त भोजन तो कर चुके। कहाँ पहुँचना है? गाँव के ट्रेवल्स बंगले में चार दिन ठहरेंगे, ये रामपुर खूबसूरत गाँव है। अच्छा भाई वो भी अच्छी बात है, एक शर्त है, जितने दिन रुको यहीं भोजन भी करना पड़ेगा। ये कष्ट क्यों दे आपको? क्या कष्ट है हमको, इससे संतोष होगा हमें। तब कल ही मुलाकात। हाँ बाबा लड़की मिल जाए तो फिर मर्द हर तरह से बहादुर भी बनते हैं, किससे कहूँ यहाँ तो मैं भी बहादुर नहीं। शायद आप मर्द ही नहीं। अरे सीता सीता सीता, वाह भाई वाह, ठीक एक बजे आप हमारे लिए खाना बना रहे हैं, अच्छी भूख भी है, चलती हमें दो। ये तो याद ही नहीं कि आप भी होंगे यहाँ। क्या अजी नौकर चाकर वापस घर चले जाते हैं? गलत समझी, हमारा फ्रेंड भी है। अच्छा कल खाना इनके लिए भी लाऊंगी। परवाह नहीं, क्या तू ही मजे उड़ा ले। हाँ ए अरे हाँ हाँ मेरी भूल है, आज व्रत रखा है ना, कहीं बाहर जाकर थोड़ा टिफिन खा लेते हैं, कर ले मजे बाप, मैं चलता हूँ। चलता हूँ। बहुत है, बहुत बहुत है। ये बहुत है क्या? ये तो जरा सा रखा है, दादाजी तो दुगना खा लेते हैं अभी। हा? अभी 90 साल की आयु है, अब भी बड़े मियाँ पूरे मर्द हैं। ये क्या बात है? अजी समझ लो, इतना सब खिला कर ही यहाँ से जाऊंगी, ये जिद है मुझे। लेकिन मेरे ओ बादशाह जी जल्दी आई है, आपका खाना तैयार है। तौलिया नहीं है, बाहर कैसे आए? ओफो बोलिए कहाँ है, मैं ला देती हूँ। वही कहीं बिस्तर पर है ना। ये बनारसी बाबू भुलक्कड़ है, हर चीज रख के भूल जाता है, अब कैसे दूँ? आ रहा है पकड़ने हाथ, आ रहा है। कहाँ? इधर नीचे ये दरवाजे पर। खाना दे दो हमें। कपड़े तो पहन लीजिए, भूख लग रही है, अभी दे दो ना हमें। अरे वाह, दर्द हो रहा है। कल रास्ते में वो बैल से लड़े थे ना, अभी दर्द हो रहा है। तो खाना कैसे आप खाएंगे? प्लीज जरा मदद तो कीजिए ना। आप खाइए ना। पानी पानी पानी। अरे बनारसी जी
बनारसी जी, माशा आप कहाँ हैं जी? देखिए ना, आज मजे का खाना मैंने खुद बनाया है आपके लिए। ओ, क्या है जी, ठीक हो ना? जरा बुखार आ गया मुझे, भय भी लगता है। ओ, बुखार है? कुछ नहीं, बाहर बादल झूम कर आए हैं, सर्दी तो है ही। मैं बाहर जाकर कुछ आग ले आती हूँ, गर्मी पहुँचेगी बुखार उतर जाएगा। मैं अभी आती हूँ। हाँ, सुनिए ना, उठिए। यहाँ बैठिए। La 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 la.
सुनी सुनी रातों में हम भी तड़पते हैं। तरसाया तो है तूने बुलाया तो है मुझे तरसाया तो है खोया खुद को तुझे पा गए हम मेरे हम राही मुझे भी तो चैन मिले मेरी जवानी से भूल भी होने दे अजीब है काई खोया खोया मौसम अजीब सीता रही है सीता रही है सीता आ रही है तू सीता से बातें कर मैं कार देख के आता हूँ तू उठ जा बनारसी जी सीता ये क्या कहीं पे जाना है थोड़ा काम है शहर में तो जा रही है बोला तो नहीं बोले बिना कब जाते ये सुनाने तो आ रहे थे और खुद ही पहुंच गई सीता सुनो मेरी बात ए क्या है कम ऑन ए पगली ए क्या बात है इन आंखों में आंसू भी है अरे थोड़ी मोहलत हमें नहीं दोगी वहां पिताजी से बात हो तो बारात लेकर पहुंच भी जाऊं ओके कम ऑन देखो हमें भी कम ऑन हंस दे अभी ठीक हुआ ओके ले ले ये फोटो रख ले इसे बस देखती रहना ओके हंसी गायब कहां हो गई दैट्स राइट अभी अपने घर पहुंचो सामान ठीक करके हम आते हैं ओके कैरी ऑन ये तो है जो लोग बसे हैं दिल में उन्हीं से दूरी बड़ी ही मुश्किल परीक्षा है हाँ जी दूर रहना नहीं चाहते अपने चेयरमैन के ये सुंदर बेटे हैं सारी दौलत के तो अकेले वारिस हैं वो आप ही को फिर अपना ससुर भी बनाना चाहते हैं कहते हुए थोड़ा शर्माते हैं तो ये बात है चाहते थे पिताजी खुद पहुँचे और ये बात तय करें इसने वो राज उगल दिया आपने ये बात खुद कह दी है सीता बहुत नसीबे वाली है अब आज्ञा दीजिए जल्दी वापस आएंगे अच्छा घर पे चलते हैं ठीक है भैया लाओ शागीता क्या है गाँव जाऊंगी तुझे भी चढ़ा आज गाँव का बुखार ये बुखार आज हमें भी हो गया फिर ठीक है चलूंगी यार टाटा बाय बाय अरे बाबा कौन है रास्कल को देखा वो राम क्या कर रहा है अरे ये डांस कर रहा है ये वाला पंगा अम्मा जल्दी चलो अंदर चलो ना तू ठहर जा बेटी मैं देखता हूँ इसे और अरे अब देखिए हमें है ये खूब रही रानी हाँ अरे ये क्या रानी रानी पिताजी यहाँ पे मुझे डराई दिया तुझे अरे बन्नू थोड़ी देर के लिए कांप गई थी मैं ए रानी ये तूने कैसे खेल रहे चाया ये सीना पट 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 कर रहा है तुझे एक दो पांच भी छोड़ दे जाओ क्षमा कर दे पूरी फंसी हूँ मुझे न चाहिए लात मुक्के ठीक बस कर मेरी बहन क्या ऐसी उम्मीद है तुझे मुझसे
फिर कॉन्फ्रेंस चलेगी घर में, सुनाना वही। रानी तुम्हारे पेपर कैसे रहे? ठीक रहे। अभी रिजल्ट आने दो, पेपर का क्या है, वैसे आता है लिखना लिखना इसको। तुझे? अच्छा अच्छा मुझे कॉफी दे। ये ठाक देखो, मांगिए इज्जत से तो कॉफी भी दूं मैं, वरना ठेंगलूं। अच्छा बहन जी थोड़ी कॉफी तो दीजिए। अब ठीक है, मुँह धोकर आओगी उसके बाद कॉफी दूंगी। यही मिलते हैं पागल लोग। बनारस की भूत कहती कि नहीं। क्या है? कुछ नहीं, ख्वाब था। अरे चुप, फिर ख्वाब की बात। यहाँ ये फोटो आपका पुजारी, तू और वो मवाली। ये क्या किया? क्या हुआ बेटी, क्या झगड़ा है? जरा तमाचा लगाया। किस लिए? ए क्या किया? देखो ये फोटो से मिला है, ये तस्वीर इसके पास क्यों है? ओ क्या हुआ, यहाँ पे आए तो थे कुछ लोग पहले। आपने घर रेडी रास्कल, वो आए ही क्यों था? पिताजी हमारे साथ कॉलेज में है, मगर है गुंडा, भयंकर मवाली, वहाँ सभी लड़कियाँ उसे मुंह छुपाती हैं। नहीं बेटी, यहाँ आज तुझे कुछ गलत फहमी हुई है। ये आदमी पुराने मेयर अजय गोयल का बेटा राज गोयल है। ये वही है, वही है। अजय गोयल कोई विष नाग है, उसका बेटा काला नार। ऐसे नहीं, इतने बुरे तो नहीं। ये आदमी बड़ा भोला है भला मानस, अपनी सीता की इसी आदमी ने कल जान बचाई। सच्ची बात तो ये है, सारा ड्रामा है उसका। नहीं, देवता है मुझे भरोसा है, जल्दी वो रामपुर आएंगे, मेरी शादी उनसे होगी। ओह तो बहुत दूर तक बात है, और उसका यकीन आप सबको है? हमें पता है, अभी वो कहा करके भी दिखाएंगे। ये सुनिए, कभी ना वो मिलेगा ना शादी करेगा हमारे घर। नहीं बेटी, वो शादी करेगा, ये भरोसा है हमें। वो नहीं मिलेगा। तब तो नतीजा क्या है बोलो? अच्छा कल ही सभी उसके घर पहुँचेंगे। ये सामने यही है गोयल का बंगला। अब देखिए वो वॉचमैन क्या आव भगत करता है। अरे बेटी बातें बंद, चलो आओ। ठहर, पूछा नहीं घर में घुसा जा रहा है, कौन है? रामपुर से आए हैं चौकीदार। तो क्या सीधा अंदर पहुंचेगा? किससे मिलना है? अजय गोयल से मिलना था मुझे। क्या क्या नाम से बुलाएगा? अरे गुस्सा किस लिए जी, अजय गोयल जी से मिलना है मुझे। अब उस कोने में ठहरना, जरा उनसे पूछ लूं। अच्छा आ गए भिखारी की औलाद, दो चार रुपए भी नहीं है जेब में बख्शीश के लिए। गेट वाला हम पे बिगड़ता देख लिया, वो अंदर वाला हमें बुलाए तो बात होगी। अभी तो चुप कर बेटी। सरकार अंदर तो चलिए, रोक दिया था वहीं, क्षमा कर दो सरकार, इसलिए सरकार खफा होने लगे, वहाँ चलिए चलिए। हाँ हाँ चलो बेटी चलो। अभी तुम क्या बोलोगी? अंदर तो देखे। भले आइए आइए। अरे 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 आओ आओ भाई, यहाँ तुम लोग आए खुशी हुई, कोई बड़ा दिन ही होगा। अनजाना था आपसे, गेट वाले ने गलती कर दी, आप ख्याल रखिए। भैया जी मकान में चलिए। आओ आओ। अजी सचदेवा मुझे तार तो देते, मैं कार भेज देता आपके लिए। अरे बेटी पिताजी को काम की उलझन, मगर तुम्हें तो ये सोचना चाहिए था। वहां बैठी बैठी बैठी, नमस्कार, बैठी बैठी। अरे ओ राज वहां क्या कर रहे हो, यहाँ आ जाओ बैठिए, बैठ बैठ। अरे रे बैठो बेटी। पिताजी क्या है? मर्यादा तो समझे, पर आगे बहुत बुरा बोलेंगे। चुप कर अभी, ये भी कोई बात है? बाजी वाह आप लोग आ गए। नमस्कार नमस्कार। आज या कल रामपुर हुआ है, कल पिताजी खुद बोल रहे थे। ये सच है, आज खुद यहाँ पहुँच गए। वो क्या है गिरानी, कॉलेज लाइफ थी, वहाँ की बुराइयों में उलझा हुआ था मैं। आज बंचला राजगोयल नहीं, अभी बहुत बदल गया, पिछली सब शिकायतें भुला के क्षमा कर दो हमें। कल की बातें कल ही बीत गईं। मिस्टर सचदेवा जी आप आए ब्याह के लिए, उसी मुख्य विषय पर बात करें। ठीक बात है। क्या उलझन में पड़े, ये बातें सारी इस लड़के से सुन ली हैं, तो ये बोलिए रिश्ता तुमको पसंद है? हाँ जी। ये इकलौता बेटा है, ये इसकी दौलत है, ये माल इसी का है,
इसलिए इसकी पसंद मेरी पसंद कह लीजिए। आगे न दीवार है न दरार। बहुत खुशी हुई। तो फिर फैसले की बात आप कीजिए। हाँ हाँ। अब बात नहीं होगी, लेन देन दान दहेज कुछ नहीं होगा। शादी का सारा बोझ मुझ पर। आप तैयार रहें, लेकर आते हैं बैंड बाजे। हमें सब कुछ मंजूर है। क्या बात है बन्नो? अभी क्या बना मुकद्दर का? इसकी तुझे चिंता है? उन्होंने रजामंदी दे दिया, हमें वहाँ से भगा दिया। ना चुठे वहाँ, तो दिवाली तक ढोल बाजे लेकर आ जाएंगे। तो ये बात हुई। लगता है ये ख्वाब सा मुझे। वंडा था गली गली तहलका मचाया, तूने बदल भी डाला, कमाल ही कर दिया। क्या कोई मंत्र फूका या? दीदी वैसी बात नहीं। वैसी बात यही बताती है बुढ़िया, पुरुष आए तो काबू कर लो, भूलना नहीं। ए, ए। पुरुष की नींदों की मुस्कान तू है, भोली किस लिए हैरान तू। मानो से अपना तो प्यारा सनम, मानो से अपना तो प्यारा सनम, और प्यार ही प्यार में बांटोगे हम। पुरुष की नींदों की मुस्कान तू है, भोली किस लिए हैरान तू। मानो से अपना तो प्यारा सनम, मानो से अपना तो प्यारा सनम, और प्यार ही प्यार में बांटोगे हम। क्या बोली? अरे पति की बात ये है कभी न भूलना, वही आस पास में न बढ़े देख लो ये तुम। ये बात अरे पति की बात ये है कभी न भूलना, वही आस पास में न बढ़े देख लो ये तुम। उसके साथ कर निभा गिन गिन के प्यार ले, आज बन के प्रेमिका। पल उसे बांध ले, उसके साथ कर निभा गिन गिन के प्यार ले, आज बन के प्रेमिका। पुरुष की नींदों की मुस्कान तू है, भोली किस लिए हैरान तू। मानो से अपना तो प्यारा सनम, और प्यार ही प्यार में बांटोगे गम। हाँ पुरुष की नींदों की मुस्कान तू इसलिए। जैसे
बुलाओ दुल्हन को यहाँ। कौन है? कौन है तू? ऐसा भी मजाक करोगे? ये उससे पूछेंगे कौन है ये बताइए ना। है? सीता है। सीता है? रानी कहाँ है? रानी चाहिए थी मुझे। यहाँ पर मजाक बुरा ही लगता है। इसी सीता से आपने प्यार किया था? ये झूठ है। रानी तो साथ साथ कॉलेज में थी, लड़ते रहे बहुत दिनों, फिर मान गई वो। हाँ, हमसे जब बात हुई याद है वो रानी वहां थी? रिश्ता किया था दूसरे से, आज यहाँ कोई और लड़की दुल्हन बनी है, आखिर क्या चक्कर है? हैं? रानी बीए में है, उसे मिलेंगे लड़के तो। ये मगर जाहिल मूर्ख है, इसे कौन पूछे? इसीलिए ये ब्याह का अच्छा नाटक आपने बनाया। डॉक्टर, यहाँ आप भी तमाशा देख रहे हैं? अरे वो गिर पड़ी है। इसे क्या हुआ? सीता, डॉक्टर इसे, ये गर्भवती है, माँ बनने वाली है। गर्भवती नहीं, ये झूठ है, झूठ बोलता है डॉक्टर। डॉक्टर बुरे हैं, मगर सच्चाई दुनिया से कब छुपी है? जरा बोलिए। ओए, आपके घर अनाज नहीं भी किसी से मांगते, अब क्या बेटियों की यहाँ बेचोगे? कहा तूने? पिताजी, कैसे बात करूं मैं, कैसे बात करूं? राज गोयल, एक सच्ची बात मैं भूल गई, जहर भरा नाक है। कल शहर में आवारा था, या सीता को तूने बहकाया और शादी के बहाने इसे भी ले ली, हमें तबाह कर दिया। देखा आपने, इससे बुराई सुन ली। आप कहिए, ये क्या ड्रामा खेल रही, कहाँ पे है रामपुर? ए, साग में तेल मत डाल। एक प्यारी सी बहू मैंने चाही थी, ऐसी बुरी बदकार नहीं। देखिए सुनिए, ये मेरी विनती है, आपने जो देखा है उसे आप भुला दें। यहाँ रुकना ठीक नहीं, आप लोग माफ कर दें। रानी, कॉलेज के दिन याद है साड़ी मुझे बांधी? ये साड़ी खोल डाली, देखा ये कर्जा आज चुकाया है तो ये कलंक कैसे पहुंचेगी? ये दुख लेकर रोना तो मुश्किल है, सहना और मुश्किल। शाबाश मेरे बेटे, इसके बाद कौन तुम्हारी बहन को ब्याहेगा ये हम देखते हैं। अरे चुप कर, अपनी चाल तो चल गया, आगे देख। तेरे घमंड को, तेरे गरूर को तोड़ के रख देंगे, तेरी चाल उलट दूंगी, ये करके दिखाऊंगी। एक दिन खुद ही छुएगा उसके कदमों को, कहेगा मैं तुम्हारा दास हूँ। उस समय बाप का ये गरूर टूट चुका होगा। हजार मुश्किलें आएंगी, मैं सह लूंगी, जीत कर दिखाऊंगी। चलो पिताजी, सीता चलो। ए, ये चांदी की दीवार है दीवार, इसे कैसे ढाएगी देखता हूँ। चल बेटे। सरकार, आखिर क्या करना चाहिए हमें? उस मूर्ख ने आपसे बुराई कैसे मोल ली, उसकी बातें आपने पसंद कर ली? हाँ, मजा तो अभी चखाना है। बेटे, उन्हें तुम्हें बस्ती में पहुंचने से रोकना है, जाओ। दहाड़ा सब कांप गए, मुझसे 15 कदम आगे निकल गए, इसकी मुझे खुशी है। ए, क्या है? है? मोर की साड़ी? ये लेटर। अजय गोयल, तुमने फूंक मारी मगर ये चिराग बुझा नहीं। ट्रक से तूने कुचलना चाहा, पर वार खाली गया। क्या मैं यूं ही मर जाती? एक कसम है जिसे पूरी करनी है, अगर वहाँ यमराज भी होता तो ठुकरा देती मैं। राजा ने कल साड़ी यूं बांधी कि मुझे हंसी आ गई। आज ये दूसरी हम भेज रहे हैं तेरे लिए, और हाँ, पायल बुरखा पहुंचा देंगे अगली बार। हैं? उसे जला दूंगा। यार थोड़ा दुखी है, यहाँ ये सब राख हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, कोई बात पर जान बचा ले। अरे अब क्या पूछना के सीता के इस कुटुंब में सब राख। आग लगा के भागता है, अभी ठीक कर दूं, अभी ठीक कर दूं, क्या समझता तू?
वो सारी बकरियां इधर ले आओ। ये किसने तबाह कर दिया हमको? वही है, खेल है अजय गोयल का। कल राणा के कुटुंब को आग में झोंकी दिया, हमारी झोपड़ियों में आज शोले भड़का रहा है। अपना बदला चुकाएगा वो रामपुर से। हाँ अरे सभी गाय भैंसे किसकी, इनको यहाँ से भगाओ। खंजर की धार है, बादल बिजलियां हैं, देख रहे हैं कैसे अपने साथी खून नहा रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। अरे लड़ाई छोड़ दो बेटा, रहने दो, बस करो। अरे ये क्या, अपने सारे साथी दौड़ रहे हैं। पिताजी घर फौरन पहुँचे, जरा इन आदमियों को पुलिस स्टेशन तक पहुँचाना है। देखते हैं पिता क्यों कर बचाता है प्यारे बेटे को। सारी बातें एसपी को बता दूंगी, चलो। कुछ पूछना नहीं है, तुझे सब कुछ मालूम है। जेल में परमानेंटली 20 बरस तुझे धकेल देंगे। फौरन उगल दे, ये किस्सा क्या है, ये किसके इशारों से तेरे काम किया? उगल उगल उगल। आप कहिए कौन है ये विरोधी, बताइए कहाँ रहता है? अजी हाँ बोलिए। सर बोलिए, रुक जाइए जरा सर, अजय गोयल बात कर रहे हैं सर। हाँ सर बताइए। सॉरी सर। यस सर। सर आपने झूठी बात अभी की है मुझसे, आग लग गई थी, बुझाया था उन्होंने, फौरन मदद की सभी भले लोग हैं, यही सच बात है। क्या कुछ पूछना नहीं हमें, ये पता है जेल में परमानेंटली 20 वर्ष ठूस देंगे तुझे, फुल बात। पुलिस पूरी पूरी जो करना महिला कैद, खबर अच्छी है। पिछले देख लेना कल का पेपर, ठीक है। पुलिस ही न्याय के विरोध में आज बोलती है, इसका कारण भी जाना, पैसे के महानता ने आज न्याय की काया उलट दी। क्या करेंगे उनसे, हम क्या लड़ेंगे, ये मुकाबला ही बहुत मुश्किल है। वही तो चैलेंज है माँ, हमने सौगंध खाई है, एक नाक तो है अजय गोयल पर, उसका बेटा भी शैतान है। नहीं, शैतान यहाँ है। ये क्या बोल गए? ये बात भी है, पढ़ने के लिए तुझे भेजा ये भूल थी मेरी, इस खता की सजा पाई सबने, मैंने मुंह की खाई, तुमने बड़ा रुलाया है मुझे, क्या अच्छी पढ़ाई कर डाली, इलेक्शन से नई मुश्किलें उठी, बोया है तो फल पाओ ये कहावत है, आज ये करके दिखाया, अपना कसूर था, ऐसा वक्त आया, ये दिन लिखे थे मेरे मुकद्दर में। पिताजी इसमें दोष क्या है, आप ही बोलिए। भला ये इंसाफ है, वह कल जो उसने किया था उसके कसूर की सजा तुम्हें काहे को मिलेगी, भारी बोझ है तुम्हारे सर पर। ये आप क्यों सोचते हैं, सारे लोग यहाँ उसके अत्याचार से जुल्म से परेशान हैं, मुझे ये साफ चुकाना था। नीति न्याय की बात तो होती है, इस नीति के लिए न्याय के लिए हमने आवाज तो उठाई। फायदा क्या मिला उससे कहो तो। इसलिए सोचा है मैंने भी, उसने हमारा अपमान किया, मैं उसका बदला लूंगी, ये जो खून खराबा किया उसके लिए उन्हें ऐसा कुचले कि अपनी मौत को आवाज दे। इसके बाद यह गुजारा कैसे होगा, शहर में पहुंचते हैं, ये आप क्या सोच रहे हैं। चलिए पिताजी। श्रीमान जी आज बेटे के बर्थडे की खुशी है, हमें यहाँ इसी वास्ते ही आप आए हैं, इसकी खुशी है मुझे। केक तो काटो, पेट की दावत, आंखों की दावत।
बर्थडे तो कर लिया, शादी अभी होनी चाहिए। यही चिंता पड़ी है, मुझसे तूने ब्याह का क्या पूछ लिया? अब ये आलम है मेरे दोस्त के मुझे कोई बेटी नहीं देता। मेरे भाई, चिंता किस लिए? तू बेटी ले और मुझे खुशी दे। हा? क्या कहा तूने रामपावा? लिख कर रख दिया दिल पर तुम्हारी बात। तूने जो लाइसेंस मुझे दिलाए, तूने जो परमिट वहाँ उड़ाए थे, ये बातें पुरानी सही, ये एहसान अभी भी याद है। तू मेरा साथी नहीं भाई है, ये तूने आज दोस्ती की इज्जत बचाई। मेरे दोस्त आज तुमने अपना लिया मुझको, संबंधी कहलाएंगे हम यारों में। अगला मुहूर्त देखे चलो आओ। ये ब्याह जल्दी करना है हमें, और तैयारी तो वैसे भी पूरी है। जल्दी से मंत्र वंतर सुना दे, इन्हें फेरे लगाने दे। बड़ मंत्र। मंगल्यम तंदुनाने, मंगल्यम दुनाने, मंगल्यम। ए संगीत विद्वान जी, ठीक से बजाने के लिए तैयार रहिए। मंगल्यम तंदु नाने मंग। अरे ये कौन लाइट ऑफ कर गया? अरे लाइट कुछ नहीं जला बत्ती। पंडित लोग अजी माँ से लड़के का मुकदमा टूट गया, वो कहाँ मिलेगी? ये क्या है मिस्टर अजय गोयल, पहुँच गए थे रामपुर मगर बारात लौट आई, यहाँ आए थे तो लड़की गायब हो गई, अब आगे का हाल बताइए। इस जन्म में इसका ब्याह होना आसान बात नहीं, अगली शादी के लिए औरों को बुलाओ मत दीजिए, भूल जाओ शादी। चलो 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 बात मत कर, हम साथ में रख के। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। क्या छोड़ दे? अरे जवानी के लूट ले मजे, मुझे तेरी ही आशा जानती भी है, तुझे हम प्यार करेंगे बहुत। ये क्या किस्सा है? चुप कर, चुरा कुछ दूंगा। क्या है रे दीवाना, तू से मुझे तो धमकी देगा? ए भोली, ये क्या चक्कर है? ये है पापी इंसान, दुल्हन बनी पहले तू उठा लाया वहां से। अरे पापी, सजाई है विभूति, ये तागा व कुमकुम की बूंद, सर के ऊपर जरा सी छोटी है, लेकिन तू पंडित ही वैश्य इंसान। तू ठहर, तुझे मैं बुरी तरह मारूंगी, इतना गुस्सा रहा है मुझे, ठहर जा, तुझे काट दूंगी। ये क्या बात है, ये कैसा विरोध है भोली? मेरा असली रूप देखो। अरे ये क्या, अपनी रानी? ओह माँ। माँ, यूं ही मेरा जीवन नाश कर डाला माँ। ए रानी,
तुझे राजकोयल से विरोध हो सकता है, किसी के जीवन से खेलना बुरा है। दूर से हर आदमी ठीक लगता है। अरे वो राजकोयल, उसके लिए तो मजाक होता है घर बर्बाद करना। उसी के कारण सीता लूट गई और तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद ना हो जाए इसलिए लाई हूँ वहाँ से तुम्हें। ये बात है, ये तो अच्छा ही किया तुमने, हम पे बड़ा एहसान किया है। ऐसी कोई बात नहीं माँ, आप इसे अपने पास रखें, जरा मुझे जाना। ये मानो मेरी इज्जत खाक में मिल गई। किस तरह का मंत्र उसने वहाँ पढ़ा, आज कहीं मुंह दिखाना ही मुश्किल है। रास्कल। ए! सरकार सब तैयारी कर ली है, वो कहाँ है? ए! उसे हर जगह ढूंढना। ये पुरोहित का बच्चा जहाँ कहीं हो लाओ उसे, टुकड़े कर दो उसके। इन्हें भगाने वगाने से बात नहीं बनेगी, या तो खुद आए हैं। ए! लड़की कहाँ छुपाई है? मेरे पास रखी है। किस लिए तूने छुपाया उसे? ये तो मैं हूँ। ये हरकत कर डाली। हाँ मैं, शादी की बात भूल जा, तू किसी से कैसे शादी करेगा यही तो देखेंगे हम भी। ये तू लिख लेके तरसेगा, कुंवारा मरेगा। सुन ले, शादी कभी हो सकती है, सीता से हो सकती है, नसीहत मान ले कमीने। तो शादी की बात जहां जहां चलेगी वहां वो रानी पहुंचेगी, वो वहां बुराइयां करती रहेगी, तो यहां के रिश्ते भुला ही दो, किसी विदेशी फुलझड़ी से तेरा ब्याह होगा। विदेश की फुलझड़ी? हाँ बाबा, एक नारी है दूर के रिश्ते की, वो 20-22 साल पहले यहां से पति संग लंदन पहुंची, उसी की फुलझड़ी से तूने ब्याह करना है। हेलो, यस, वन सेकंड, लंदन कॉल। लंदन कॉल? हेलो हेलो, तेरा अजय भैया, अभी सुन रही लक्ष्मी? अरे हाँ, याद आया तेरा भैया भी, अब यहाँ कुछ मुश्किल में हूँ, वो बातें तो यहाँ पे होंगी, वही लड़का लड़की की बात है, समझी ना? वो मुझे पता है, तुम्हें दौलतपुरी दे दूंगा, तो क्या तुमको परवाह? क्या कहा? कल तक, आज ही किसी फ्लाइट से आओ, देर बिल्कुल मत करो बहन, समझी ना? अच्छी बात है, फोन रख दू ना। रानी रानी, तुम्हारी बात बन गई, आज आने वाली है अजय गोयल की रिश्तेदार, अपनी पुरानी जानकारी है उससे, तो उससे यहाँ के सभी हाल सुना दिए, जिस तरह कल तूने बताया वही प्लान बना दिया, भेज बदलवा के अपनी सीता को अजय गोयल के बंगले पर हमें भेजना है। जिस तरह फोन पे तूने बताया, तू पतिदेव को और फुलझड़ी को लेकर कैसे गोली वोली से बच के यहाँ पे विमान से पहुंची गई, तुम्हारा शुक्रिया। हाँ मगर वो मेरी बहू कहाँ है? नहा रही है। ओह, तो थकान उतार रही है, उतारने दो उतारने दो। लंदन की बताओ, बिजनेस बिजनेस क्या है तुम्हारा, व्यापार कैसा है? व्यापार होता भी हमसे। अरे भैया, हम तो ठहरे लीडर, लंदन पहुंचे तो एक नया दल आरंभ किया, एक दूसरा झंडा लगाया, लेकिन भैया लंदन में कोई पूछा ही नहीं। मारते हो, दिल अभी गुदगुद करता मेरे से, बोलो आप मारता है ब्यूटीफुल को, काहे को अर्जुन बुद्धू।
अच्छा लग रहा है ना? ये कौन है? कौन है? ए, 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 तू मुझे हाथ लगाता है? तू मुझे छूता है? गोल मामा! ए, ए, कम, कम। उस रूम में गाउन रखा है, उसे ले आ। इतनी सी बात का गुस्सा क्यों? ऐसी अच्छा पसंद नहीं है। यह मुझे पसंद नहीं है तो सही। अभी बाहर चलते हैं, वही आइसक्रीम ले दूंगा। ले लीजिए। लंदन की बुद्धि है ये। आइसक्रीम के लिए भी क्या लड़ना? क्या भी? वो हमारी दोस्ती है, जो चाहूं मांग लूं। क्या बात है रघु, ये रानी आखिर क्या करने लगी है? बेचारी भोली है सीता, इस तरह उसे आज भेड़ियों के घर भेज दिया। पत्नी का थोड़ा रूप ही बदला, ब्लाउज के बदले पहना है बुशर्ट, पुरुष के द्वार ही भेजा, क्या गलती इसमें? उन्हें पता चल गया अगर? चलने दीजिए, रानी होशियार है वैसे भी, उसका साथ देना ही है। मूछ वैसे रख ली, अभी क्या भागना, उनसे तो निपट ही लेंगे। क्या है मामा सन, क्या तुम लंच खाने को आ गया? तुम्हारे सारे काम कर दिए पपी। हाँ पपी, तुम्हारे कुत्तों को घुमा लाया, उनको दूध पिलाया, कपड़े धो डाले, जूतों में पॉलिश किया, सब कुछ कर दिया। तब ठीक है। खाना लगाओ। खाता लगा सर। ये क्या है? ये पत्ता खाने के लिए। इसको इसको खाना है? ओ हाँ, इसमें खाना डाल के फिर खाना। ओ, इसमें डालकर? ओफो, इसमें खाना रख के उसको मिला के फिर खाना। समझी नहीं। दिखाता हूँ। डाल, ये डाल, ये चावल डाला, ये सांबर डाला, अब चटनी, ये डाल, ये डाल, ये ये इसको ये 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 सांबर इसे भी दे दो। क्या है पिताजी, पप्पी को आए हुए बहुत दिन हो गए, आज तक आपने उससे कोई बात ही नहीं की। जल्दी पड़ी है, पूछ ले उससे। मुझे कहने आया है, तू भी बेहया है, ये पगले साथ में घूमने तू जाता है, क्या किया आखिर? अभी पप्पी के रूम में कुछ गड़बड़ है। पहुंच जा। पप्पी, 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 क्या है? क्या है? क्या पेट में दर्द है? नहीं, कमर में दर्द है। क्या कहा? कमर में दर्द है? ये किस्सा क्या? अरे वैसा कमर में दर्द नहीं। ये वैसा कमर का दर्द नहीं है, तब ये कैसा कमर का दर्द है? आज कमर पर हाजी उठ के बोलता। बोलता? हड्डी उठ के बोलता? ये नहीं कोयल बाबा, इतनी चाल थी तब उतर वहाँ स्टार्ट लिया, इस वक्त तक स्टॉप नहीं। ए, 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 अभी हालत बुरी है, पुराने डॉक्टर को ले आओ। हाँ वो तो बहुत बड़ा डॉक्टर है। अरे फॉरेन का डॉक्टर अच्छे दिखाया था वहाँ, यही हमसे बोला, तब हमसे मुश्किल है। अरे एक मुनि पर वहाँ बोला, पापी पापी एक मोर का ताजा खून लगाना, वहाँ लगाया, वहाँ अच्छी का गया। पापा, पप्पी को मोर का खून चाहिए पापा। फौरन ले आ जाके बनिए की दुकान से। अरे वो दीवाने, जाके थी जमींदार से पूछ, ले आ खेतों से। मगर ना, ना, मेरी नसीब बताना। किसका खून किसका पाता है तो मैं भूल ही गई। लिख कर रखा होता तुमने। चलिए ना, मोर का खून पीठ के बाजू के लिए बन मनुष्य का, कमर कमर के लिए उल्लू का, नहीं जी नहीं, कमर के लिए याद आया चमगादड़ का। तू वुड बी वाइफ रोती है, लेकिन चमगादड़ का खुला ना मुश्किल है, क्या इस लाइफ पूरी हमसे निभाएगा? नो मामा सन, आज से टाउट डाउट, तुम पट आउट, तुम्हारे सारे खानदान पट आउट। पपी गेट आउट। गुस्सा थूक दे अभी, मेरी बात सुन, सारा काम ही बिगाड़ कर रखते का कथे। ए ढूंढना है हमें, वो तो लाना पड़ेगा। पापा अपने पीपल के झाड़ पे होते हैं। ये बात है, फिर खड़ा किस लिए? वही पहुंच वरन। ए मैं भी आता हूँ तेरे साथ। मेरी कमर भी टूट गई, चमगादड़ का खून। कमर का दर्द खून जरूरी, कमर का दर्द खून जरूरी। देख, अरे दीवारे देख, पप्पी को चमगादड़ का खून चाहिए, वही तो है, इसे पकड़ लेते हैं। ये ए, 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 मधुमक्खिया काट लिया, उन्हें काट लिया, मधुमक्खिया।
अरे मर गए, काट खा रहे, काट खाया। अरे काट, गलत बता रहे। अरे क्या हो गया? अरे काट कूदे खा रहे भाई। अरे हुआ क्या? अरे क्या हो गया इन लोगों को? किधर आ गए? क्या हो गया? क्या हो गया? कल मामा, मामा साहब, ये सब क्या चक्कर है? ये रोल रोल क्यों करता है? उठो। मैं मरा। हंस रही है, बस कर मुखड़ा। देख, अरे देख, पूरा बनमानुस है यहाँ पर। देख तो होड़ के आसार है। पापा ये मुखड़ा। बेटी, वो कमर दर्द कहाँ गया? कमर का दर्द? हाँ। आया हमें गुस्सा? हाँ। एक छींक मारी। हाँ। पूरी कमर हिल गई। हाँ। दर्द गायब। वो दर्द फरार। ये हमें दे। बेटी, तेरे मुनिवर ने इसके लिए भी तो कुछ कहा होगा। इसके लिए मगरमच्छ। हाँ भाई, भागता भूत नहीं बोला मुनिवर। रानी, 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 क्या है सीता? यहाँ तुम्हारा आना इस वक्त ठीक नहीं। इसका कारण बताते हैं। हमें ये रूप भी पसंद नहीं है, नाटक भी पसंद नहीं है, ये लफड़ा भी पसंद नहीं है। ये क्या, ये तुमने सोचा इस वक्त ही? मगर क्या करें, कल से एक हलचल है दिल में। खून मांग लिया, वे चमगादड़ का खून लाने गए। अब क्या बताऊं, उन्होंने वहां पे छत्ता तोड़ा मत का। क्या होता, वो मक्खियां छोड़ दी, उन्हें काट लिया पूरा। हाँ, तरसे बुरी तरह। क्या ये, क्या हंसने क्यों लगी है? तुझे इसका दुख नहीं है? हमने क्या उनसे बुराई कभी की? ये सोच लो, बुरे हैं वो लोग। मैं पूछती हूँ, कब जाएगा पैसे का घमंड, बोलो। अरे बस, अभी तू सबके दुश्मन बनी है। ऐसी बातें हमें तो पसंद नहीं। ये किस्सा छोड़ देंगे, ना पति को पूछेंगे, ना गुटे के बाप को ढूंढेंगे। ए, तेरा वो देवता है, पति के तू पुजारिन सही। अब बता, ये अंधेर नहीं? देवता कहती है ना, तेरे सुख की कभी फिक्र की उसने? होड़ ले सर, पत्थर की पूजा से क्या फायदा? क्या दीवानापन है, अभी ये सब बनकर नाटक मुझसे होगा नहीं। कितने गम दिए, याद है तुझे? ठीक है, बदले की भावना से करना क्या? ये नहीं सीता, यहाँ तेरे बिना जीवन मुश्किल है, ये एहसास हो जाने दो उनको। तब एक दिन उस नाटक का पता चल जाए उनको तो ठीक होगा, हंसकर ही चुप हो जाएंगे वो। क्या क्या सोचती, लेकिन मुझे कुछ बताओ। मुझे पूरा यकीन है बुद्धू, जब ये सुधरेंगे फिर ये तुझे पूजेंगे। जल्दी जा यहाँ से। मुश्किलें खड़ी करके दुख मुझे होता है। अरे जा, फिर जल्दी पहुँच। मैं चली, तुम्हें क्यों उलझन पड़ी है? मुझे यूं दूध काटती है। बंद कर मुंह अपना, रात को तू पहुंच गया, नाचते रहे। मुझे मकार भी है। क्या कह रहा है तू? ये वैसे रूस की है ना, घूस की है, यही देहात की है। वो हमारी बात भी समझती है। कब पता चला? कल मैं छुपकर सुन रहा था। इसका हम पता करेंगे, अभी तुम जाओ। यही बात है, आगे क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं। नाटक बोझ हो गया भाई लगता है। पागल हो, आखिर किस लिए है? तू भय मत कर, देख ही लेंगे, तलाश करते तो होंगे वहाँ इस समय। बुद्धू जाओ, फौरन जाओ। इसका डर तो था ही, ये बात शायद किसी वक्त खुल जाए। आज हालात बुरे लगते हैं। इस बार पासा उलट नहीं सकता, खेल है बाएं हाथ का। इनका ये शक दूर करने रानी निकल पड़ी। अब बनेगी बात, रानी गुड्डा लेकर गई है, रानी ही सीता बनी है। आज वहाँ पहुँच के हक पूछेगी, तब फिर ये शक वक्त जाता रहेगा। ऐसी चपत लगाएगी कि सब ठीक होगा, समझे अपना आइडिया? काहे की फिक्र पड़ी है सर, उखली में मुसल पड़ने दे। अपी से मिलकर मुझे लगा, सीता ही मेरे पास यहाँ दोबारा लौट आई। वही तो है, ये वही होगी। नहीं, ये वही तो नहीं। क्या है, सारी दुनिया पे शक करने लगा है, शायद मुझे भी उलझा कर रहेगा। अभी पहली तू बूझ ले, सीता तो देहातन है, ये लंदन की फुलझड़ी है, समझे बेटे? बहुत बढ़ने लगी है। अरे बेटे बस, सोच समझ कर बात कर। हाँ गुड इवनिंग, कहीं घूमने गई थी? गार्डन गई थी फूल लेने, और वहाँ एक फूल मिल गई। ए पापी, इधर आओ। देखिए, ये यहाँ क्यों आई? कौन है, किसने आने दिया यहाँ? मामा सर, ये क्या बोलती है? हाथ में ब्यूटीफुल चाय। ये किस्सा सुनिए, ये इन्हीं का बच्चा तो है। इन्हीं सालिमों ने जीवन नाश कर दिया, मेरी इज्जत लूट ली, अकेला छोड़ दिया। क्या है गोयल मामा, इससे बोले क्रैंक बंद करें। बट लड़की रोती क्यों है, इसका मैच क्या है? पूछिए, जाने क्या पहले बुझाती है? दलिदर यहाँ क्यों आई? चल फोड़ यहाँ से। मुंह मोड़ लिया मुझसे, भेज दो मेरे पति को। व्हाट गोयल मामा,
कि पति पति क्या कह रही है। बहन, इससे शादी की बात भूल जाइए। यही है इसने हमारी इज्जत ली और एक गुड्डा देकर हमें धुतकार दिया। घर वाले नाराज हो गए हैं। अकेली हूँ, कहाँ जाऊंगी। बहन, आप तो कहीं विदेश की है, भोली भाली लगती है। मेरी तरह इसके चक्कर में बताइए, नहीं तो बहुत पछताएंगी, बहुत पछताएंगी। यहाँ बच्चे बगल में लिए घूमती फिरती रहती हैं और ऐसी धंधे वालियाँ बहुत हैं। ये तो पेशा है इनका और ये गुड्डा भी किराए वाला है। मालदार असामियों को ढूंढ के बुद्धू बनाती हैं। सब फ्रॉड है पप्पी। क्या गोयल मामा, क्या हम बुद्धू? समझ अपना फॉरेन का लोग ये बोलता, इंडिया में ऐसा बड़ा फ्रॉड जगह जगह होता। हमको समझ आया, आज देख लिया। वेरी गुड पप्पी। ए फ्रॉड गर्ल, ए फूल, गेट आउट। मूर्ख, तू जा यहां से। ये तुम्हारा बच्चा यही पालना होगा। ले लो अभी। देखो, चरणों की धूल चाटनी दो इसे, मुझे जीवन दे दो, या मसल के कुचल दो इसे। अरे ये झूठ बोली तू, इतना भला है मामा सन, बुरा समझा इसको। दिल ये करता है तुझे पीस पीस कर टूरा दूं। कहीं से ये गुड्डा ले आई, इसने छोड़ दिया तुझको। उठा ये गंदा। क्या कहा तूने, ये मुन्ना तुझे गंदा लगा? विदेशी लाडू को इतना घम। सुना मेरे फॉरन पे हंसती है बुद्धू, तू यहाँ क्या है लंगूर? अगर जास्ती बोली तो दांत तोड़ दूंगी। यारी, क्या मेरे दांत तोड़ेगी? जा बंदरिया फूट। यू यू यू, जा भिखारिन कुतिया। सौतन मेरा झूठा चटने आई है। जा रही, जा जा वहाँ पुरुष फसाने वाली छोकरी। पूरी वड़ा मुर्गी बकरी। व्हाट? मैं बकरी? हाँ हाँ, तू बंदरिया, तू कुतिया है, तू भैंस है। ओ यू फूल, यू रास्ता, यू स्टूपिड, यू इडियट, यू। अरे गोरी बंदरिया, बाहर आ जा रहा सौतन, तेरा सर काट के ना चौकी में बांध। तुम उसको बांधी थी अपने सर पर? यू 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 तू जा, मूर्ख तू जा। पापी बेटी, पापी बेटी, चलो इसे क्या लेने देना। जा जा, तू बाहर तो आएगी ना, तब तुझे देख लूंगी। क्या है रे, पप्पी है या सीता है, ये कौन है? अब बताइए कौन है। अभी समझे, अभी वो सीता घर छोड़ गई। इसके बाद कभी भी हमें बुरा कहे, पप्पी कभी बुरा नहीं मानेगी। एक बात तो बोल, इसे किसने यूं उकसाया है? रानी ने ना? ये भी समझे, कल हमसे बच गई, अपने सभी लोग निकल भागे थे, इसीलिए हमने सोच के विदेश के हट्टे कट्ठे कई आदमी मंगवाए हैं। पिताजी, ये मुन्ना ले जाओ। पिताजी, हंगामा खड़ा कर दिया है, इस आग को मैं बुझा नहीं सकता। इस ड्रामे का क्लाइमेक्स अभी यही संभालना है। मैं जाऊं?
रानी, एक नारी होकर इतनी बहादुरी, दुश्मन दुम दमाकर भागा, इस वीरता ने दिल जीत लिया है। हाँ तूने ही दिल जीत लिया है, लेकिन डर लगता है कहीं मेरा ही गोलगप्पा बना डालेगी रानी। रानी धड़कने तेज हो गई है, प्लीज आई लव यू, यू लव मी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ रानी। वही बात बोल दे पहले, ये दीवाने प्यार करेंगे। वही बात बोल दे पहले, ये दीवाने प्यार करेंगे। यही धुन हम गा के कहें, ख्वाबों में है अभी। वही बात बोल दे पहले, ये दीवाने प्यार करेंगे। वही बात बोल दे पहले, ये दीवाने प्यार करेंगे। यही धुन हम गाके कहीं ख्वाबों में है अभी। नहीं है तुझे कम, यही आज वादा ले ले। आप देखते हैं तेरे हो चली है, आप देखते हैं तेरे हो चली है। कर ही दिया गुम तूने हमें, वही बात बोल दे पहले, ये दीवाने प्यार करेंगे। यही धुन हम गा के कहें, ख्वाबों में है अभी।
आया क्यों? एक जरूरी बात है अभी। बैठो पप्पी, बैठो। बोलो राजू। पप्पी, खुलकर जरा ठीक से कहना, तुझे मैं बुरा लगा या अच्छा? तुम बहुत अच्छे हो। तब तो बात बन गई, फिर क्या होगा पूछने से? जल्दी ही पंडित को बुलाते हैं। मगर बात बात क्या है गोयल मामा? मनी मनी दिखाओ, तुम्हारे पास है भी, ठीक तरह से स्टेटस वगैरह दिखा दो। राज गोयल, फिर क्या सोच रहा है लड़के? इसको अपना अंडरग्राउंड कारोबार दिखा दे। आओ बेटी आओ, अभी इन महाशय के गंदे कारनामे बताए। ची ची ची, इनके कमाल दिखाए हैं। ये देखो क्या है यहाँ, ये नकली मोती हीरे हैं। ये भी देखो, नोट के पहाड़ बने हैं यहाँ। इतनी सारी नकली नोट है, दुनिया के हर देश के नकली नोट यही तैयार किए जाते हैं, भेजने के लिए रेडी कर दिया है, बाहर कल भेज देंगे। यहाँ भी देखो, ये असली सोने की ईंटें हैं। हमारे पास वैसे कई ढेर हैं, इनकी कीमत बस 50 करोड़ है। करोड़? इनका पूरा बिजनेस करोड़ों का ही है। क्या वो कारोबार है? इतने पापी हैं और वो इतने बुरे हैं? हाँ बहन, बहुत बुरे लोग हैं। हर देश के नकली नोट को तैयार करते हैं, असली सोने का पहाड़ बनाकर रखा हुआ है, रंग रंग के नकली डुप्लीकेट हीरे तैयार करते हैं। बहुत बुरे विचार। ये भी समझ लें, कई अधिकारी उनकी मुट्ठी में हैं, अभी उनका गठजोड़ है। ये रुपए देकर अपने देश के कई फाइलें लेकर विदेशों को बेचते हैं। अभी वो हमारे पास फंसे गए हैं, इसी वक्त इन्हें पकड़े, देखें सारे कारनामे फाश कर दें, बस फिर बंगले पे पहुंचो। फिर भी वह जाना मुश्किल होगा। क्या मुश्किल है, जो ये बात चली है वहाँ उसका अंत तो मुझे करवाना है। हाय कोयल बाबा। क्या किस्सा है, इतने उदास है? पप्पी, कहाँ तक घुमाई? ये एक ऐसा उल्टा सवाल कर दिया, लंदन की सर्दियाँ कैसे भूलेगी? यूं ही उसको बहुत पसीना आए होंगे, इसलिए गार्डन वार्डन घूमने बाहर गई। तुम्हारी हंसी ही बस आफत की पुड़िया है। कमर दुखा तो चमगादड़ का खून हम लाए, पेट दुखे तो मांग लो भी सांप ही, मामा पहुंचेगा तो नाग उसे डसेगा और वो मर जाएगा। हाँ? क्या गोयल मामा आज बहुत हैप्पी हो? खुल चुका तुम्हारा राज, पूरी दाइन है, आई है लंदन से बहू बनने, मुझे मिटाने का दावा था, एक सौगंध थी उसके लिए नाटक बनाया, हमें उसका पता चल भी गया, यहाँ के राज जानने वाले यहीं पर दम तोड़ते हैं। राज गोयल, इसका हाल चाल पूछ लेना। क्या आज हमसे तू ये गुस्ताखी करेगा? देख इधर, अगर मर्यादा चाहती है सच बता, पप्पी तुम्हारी बेटी है? वो कौन बला है? मेरी ही बेटी है, मेरे पेट की नहीं, वो तो इनके पेट में रही, वो हमारी। ये नाटक बहुत ज्यादा पुराना है, ये पप्पी नहीं सीता है। पकड़ लिया है आज रंगे हाथों भैया ने मुझे। किस लिए की धोखेबाजी? क्या धोखा मैंने दिया? अजी तू ही मक्कार है, तेरा लड़का बुरा है तो उसके लिए तूने मेरी ही बेटी को मांगा था मुझसे? ये भी तू मेरे लिए एक त्याग कर रहा था, देख रे लड़की को मसल दिया है उसने, ये महान पाप है रे। एक भोली लड़की को धोखा मत दे, बहुत बुरा होगा, मेरी बात को मान, किसी भोली लड़की से उसका ब्याह करा दे, ठीक वही रहेगा। क्या तू मुझे नसीहत देगी? क्यों मैं को आओ ऐसे कह रहा हूँ? माँ के कंधों पर बेटी, बेटी के गले में रस्सी, पहले बेटी मरेगी फिर माँ मरेगी, और बच्चा सांपों से घिरा है। जिसने मेरा ऐसा अपमान किया उसका कुटुंब दूर है। देखिए मुझे मार डालिए, लेकिन माता पिता को छोड़ दीजिएगा, उनका कसूर नहीं है, थोड़ी सी दया कर दीजिए। क्या कहा, छोड़ दे? यूं ही तुम सब गिड़गिड़ाओ रो, देखकर मैं हंसूं, आज यही चाहत है। Thank you.
रानी, मेरा खून न कर। रानी क्षमा कर दे रानी,
खून हो जाएगा, ये मेरा इकलौता बेटा है, माफ कर दे, छोड़ दे। क्या होगा खून करने से? अगर चाहती ऐसा हो जाता कब का? ताकत का नशा था तुम्हें, उसी घमंड को तोड़ना था मुझे। बस रानी, यहाँ जितने कसूर किए हैं उनकी सारी सजा झेलनी है, जब भी लौटूंगा फौरन ही सीता को फिर मैं अपनी बीवी बना लूंगा। राज, राज। सीता, रानी आज मुझे गम नहीं है हार जाने का, देख अभी इंसान बन चुके हैं, आज सीता ही मेरी बहू है, इसकी कसम यही मेरी बहू है। रानी फिर फूल खिले, बाहर मुस्कुराने लगी, मैं अधूरा रहा। रघु, कोई बात बोल दे पहले।